दोस्तों, रक्षा मंत्रालय सरकारी शिक्षक भर्ती 2022। हाँ जी दोस्तों, आज नया नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जारी किया गया है। टीचर्स के अलावा यहां और भी काफी सारी वैकेंसियां आई हुई हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन की। अकॉर्डिंग सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। सैलरी कम से कम 50,000 रुपये तो आपको इसमें मिलेगी ही, उससे ज़्यादा ही पर मंथ मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बाकी ये नोटिफिकेशन देखें उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कई साल के बाद आखिरकार अब जारी कर दिया गया है। 5 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 14,000 के आसपास वहाँ वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो KVS से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। बाकी अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आ रही है इसका नोटिफिकेशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस सप्ताह का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, रोजगार समाचार पत्र, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 3 से 9 दिसंबर 2022 का पब्लिकेशन डेट आज की है, 3 दिसंबर 2022। तो इसके पेज नंबर 34 पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलते हैं पेज नंबर 34 पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के। तो ये पेज नंबर 35 है और ये है पेज नंबर 34। तो ये देखिए दोस्तों, पेज नंबर 34 पे छावनी परिषद वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन पे डेट 21 नवंबर 2022 डली हुई है, पर ये आज 3 दिसंबर 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग दो तरह की वैकेंसियाँ हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है varanasi.kent.gov.in, में अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर टिक हो गया है, ये देखिए varanasi.kent.gov.in। और ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है www.mponline.gov.in। यहाँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं पदों का विवरण। दोस्तों, जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी है वो एक है, जर्नल के लिए है। इंटरमीडिएट आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर रखी हो। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपकी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी की एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की। CCC सर्टिफिकेट भी DOEX से आपके पास होना चाहिए। पे स्केल है 19,900 से 63,200 लेवल 2। इसके बाद असिस्टेंट टीचर की भी रिक्रूटमेंट है, एक वैकेंसी जर्नल के लिए और एक SC के लिए। बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का BTC या BEd आपने कर रखा हो। दोस्तों, साफ साफ 2 साल यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। और उसी के साथ साथ आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET भी क्लियर होना आवश्यक है फॉर क्लास 1 टू 5। हाँ जी दोस्तों, TET प्राइमरी आपका क्लियर होना आवश्यक है, कंडक्टेड बाय यूपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे तो यूपी सरकार के द्वारा जो TET कंडक्ट कराया जाता है वो क्लियर हो, या फिर CTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6। इसके बाद मिडवाइफ की एक वैकेंसी जर्नल के लिए। इंटरमीडिएट आपने कर रखी हो, 2 साल का ANM आपने कर रखा हो और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 6 मंथ ऑफ मैटरनिटी, तो ये भी आपने कर रखा हो। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट मेडिकल फैसिलिटी 21,700 से 69,100 लेवल 3, ये पे स्केल है। पंप अटेंडेंट की भी एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की, वार्ड बॉय की, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की और मेडिकल ऑफिसर की भी एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानते हुए की जाएगी। सीरियल नंबर 21 से 30 है एज लिमिट, बाकी सीरियल नंबर 8 है मेडिकल ऑफिसर, इनके लिए एज लिमिट है 23 से और 35 साल, बाकी के लिए है 21 से और 30 साल एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट 30 साल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी कम एज लिमिट है। जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लीजिए, varanasi.kent.gov.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 15 दिसंबर 2022 से शुरू होगा, जो कि 14 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी की तरफ से बड़ी ही अच्छी टीचिंग और नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।